की किसी ने भी बाकी कैंडिडेट्स को नहीं बताया था कि शियोकी ने मास टीम के कैप्टन का मास्क तोड़ दिया था, जिसके कारण सभी कैंडिडेट्स को कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, जहां ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक चैलेंज दिया गया जिसमें उन्हें बेहोश करके पहाड़ी के बीच रख दिया गया था और उन्हें ड्रोन से बचकर उसके किनारे तक जाना था। फिर सभी कैंडिडेट्स तुरंत ही ड्रोन से बचकर भाग रहे थे क्योंकि ड्रोन कलर बॉल फेंक रहे थे जिनसे उनको बचना था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम शियोकी को देखते हैं जो उन ड्रोन से बचकर भाग रहा था। तभी वो एक जगह छुप जाता है जिसके कारण वो ड्रोन आगे की ओर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर युआन आता है तो शियोकी उसे ड्रोन से बचाने के लिए खींचकर अपने पास छुपा लेता है। इस तरफ किंग जू अपने दोस्तों के साथ ड्रोन से बचकर भाग रहा था, जहाँ भागते भागते अपने साथी उसे कहता है कि मैं इन सभी ड्रोन्स का ध्यान भटकाता हूँ, तुम सब आगे जाओ। ये बोलकर वो दूसरी तरफ भागने लगता है तो सारे ड्रोन्स उसकी तरफ भागने लगते हैं। इस तरफ मोली बाइली के साथ गाड़ी में ड्रोन से दूर भाग रही थी। इधर किंग जू उन ड्रोन्स को भटका के वापस अपने साथियों के पास आ जाता है, लेकिन तभी उसका एक साथी एक पेड़ के पास एक मैप देखता है, जिसे देखने के चक्कर में वो बाकी लोगों से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ मोली की गाड़ी एक माइन के ऊपर से गुजरती है जिसके कारण वो फट जाती है और वो दोनों खाई में गिरने लगते हैं। इधर इस तरफ एक ऑफिसर वाइस कैप्टन से कहता है कि अब सिर्फ 20 कैंडिडेट्स ही बचे हुए हैं, जिस पर वाइस कैप्टन कहता है कि हो सकता है इनमें से कोई टेस्ट पास कर ले, इसलिए टेस्ट को कंटिन्यू रखो। इधर शियोकी बाइली और मोली को खाई में गिरते हुए देख लेता है, जिसके कारण वो बाइली मोली को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मोली नीचे गिर जाती है। अब युआन बाइली से कहता है कि तुम्हें 2 कलर बुलेट्स लग गई हैं और अगर तुम्हें एक और कलर बुलेट लगी तो तुम टेस्ट से बाहर हो जाओगे। लेकिन बाइली इस बात पर ध्यान ना देते हुए शियोकी से बोलता है कि मोली का क्या होगा, जिस पर शियोकी बोलता है कि मोली नदी में गिरी है इसलिए चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। उसी वक्त उनकी तरफ ड्रोन आने लगते हैं जिसकी वजह से वो सब भागना शुरू कर देते हैं, जहां भागते हुए बाइली को मोली की चिंता हो रही थी। इधर वो मैप वाला बंदा उस मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो मैप फेक था जिसकी वजह से वो जंगल में खो जाता है और एलिमिनेट हो जाता है। इस तरफ किंग जू को पता चल जाता है कि उसका एक दोस्त पीछे रह गया है, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा, लेकिन ड्रोन उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे इसलिए उन्हें पीछे जाने का टाइम नहीं मिलता। हर सामान सस्ता भी और 4-स्टेप क्वालिटी चेक भी, अमेज़न फ्रेश से ग्रोसरी लाओ नहीं तो महंगा पड़ेगा। और अब रात हो जाती है और अब सिर्फ 9 कैंडिडेट्स ही बचे थे। इधर हम मोली को देखते हैं जो बेहोशी की हालत में नदी में तैर रही थी। दूसरी तरफ किंग जू अपने एक साथी से कहता है कि तुम आगे चले जाओ, क्योंकि उसका दूसरा साथी बहुत ज्यादा थक चुका था, अब उसके पास आगे जाने की ताकत नहीं बची थी। इसलिए किंग जू अपने पहले साथी के वहाँ से जाने के बाद उन ड्रोन्स को अपनी तरफ भगाने लगता है ताकि उसका दूसरा साथी बच सके, लेकिन उससे एक कलर बुलेट लगने वाली थी और उसका दूसरा साथी बीच में आकर वो कलर बुलेट्स अपने ऊपर ले लेता है। इधर जो कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो गए थे उन सबको टॉर्चर किया जाने लगता है, जिसमें उन्हें तेज रोशनी के सामने बिठाकर कुछ सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। इस तरफ किंग जू का जो साथी पहले भाग गया था उसके पैर में मोच आ जाती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है और सारे ड्रोन्स उसके पास आ जाते हैं, लेकिन तभी किंग जू वहाँ पहुँच जाता है और उन ड्रोन्स को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इधर किंग जू के दूसरे साथी को टॉर्चर किया जा रहा था, जहाँ उससे पूछा जाता है कि तुम सब किंग जू की बात क्यों मानते हो, जिस पर वो बंदा कहता है कि मुझे स्कूल डेज में गेम्स खेलने की बहुत आदत थी, लेकिन रास्ते में कुछ बुलीज मुझे परेशान किया करते थे, पर मैं किंग जू को ये बात नहीं बता सकता था क्योंकि वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे फिर भी उसे ये बात पता चल गई, जिसकी वजह से उसने अपना एंट्रेंस एग्जाम छोड़कर उन बुलीज को बहुत मारा, लेकिन उसकी वजह से वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया और उसे हमारे साथ एक पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। इस वजह से हम सब किंग जू की बात मानते हैं क्योंकि वो अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। इस तरफ किंग जू कुछ ड्रोन्स को तोड़ देता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि मेरे पैर में मोच आ गई है इसलिए मैं आगे नहीं चल सकता। तो ये सुनकर किंग जू कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो दोनों एक साथ हार जाते हैं। अब ये बोलकर वो उन ड्रोन के सामने हीरो की तरह खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन ये देखकर वो वाइस कैप्टन भी थोड़ा हैरान था। अब किंग जू को टॉर्चर किया जाने लगता है, जहां उससे पूछे जाने वाले सवाल सभी कैंडिडेट्स को सुनाई दे रहे थे।
तभी उससे पूछा जाता है कि तुम अपने आप को एक एरोगेंट पर्सन क्यों शो करते हो, जिस पर किंग जू उन ऑफिसर पर ही भड़कने लगता है। दूसरी तरफ ये सुनकर बाई ली युआन से पूछता है, तुमने बताया था ना कि किंग जू ने अपने एक दोस्त का कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया था। इस पर युआन कहता है कि हाँ, मैंने सुना था कि पास में वो ऐसे कई कारनामे कर चुका है। ये सुनकर बाई ली कहता है कि तभी उसके दोस्त उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सच में एक मर्द है। उसी वक्त बाई ली देखता है कि अभी वो पहाड़ के एज से बहुत दूर है, तो ये देखकर वो नीचे बैठ जाता है और कहने लगता है, मैं और नहीं भाग सकता। तभी वहाँ ड्रोन्स आ जाते हैं, तो बाई ली हीरो बनने के लिए उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, मैं इन ड्रोन्स को संभालता हूँ। लेकिन वो दोनों बाई ली को उठाकर भागने लगते हैं, जहाँ भागते हुए उन्हें एक गुफा मिलती है। वो सभी गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ गुफा में जाने के बाद युआन शियोकी से कहता है, मैं भी थक चुका हूँ और अब अगर मैं और चला तो मैं बेहोश होकर अपने पास्ट में करे हुए बुरे काम दोबारा कर सकता हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे माफ कर दो। जिस पर शियोकी उससे कहता है, अगर तुम्हें अपने पापों को धोने में मदद चाहिए तो मुझे सॉरी कहना बंद करो। ये सुनकर युआन थोड़ा शांत होते हुए शियोकी से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? जिस पर शियोकी बोलता है, मैं बचपन से अकेला रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो युआन कहता है, हम दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि बचपन में मेरा कोई दोस्त नहीं था, पर अब मैं तुम्हें और इस मोटे लड़के को अपना दोस्त मानता हूँ। अब युआन दोस्ती के नाते उन सबको अपना पाप बताने लगता है कि उसने कैसे बचपन में एक पूरे गांव को खत्म कर दिया था। जिस पर शियोकी युआन से कहता है, उसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं था, उस वक्त तुम अपने होश में नहीं थे, और अब क्योंकि तुम थक चुके हो इसलिए तुम बाई ली को भी अपने साथ रख लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आगे चल पाएगा। तभी बाई ली खड़ा होते हुए कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एक हीरो की तरह एलिमिनेट होना चाहता हूँ। अब बाई ली उन ड्रोन्स के सामने खड़ा हो जाता है और अपना डायलॉग बोलने लगता है, लेकिन तभी ड्रोन्स उस पर कलर बॉल्स फेंकने लगते हैं। उसी वक्त मौका पाकर शियोकी वहाँ से भाग जाता है, जिसके जाने के बाद वो ड्रोन्स युआन को भी देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो भी एलिमिनेट हो जाता है। इधर शियोकी भागते हुए सोचता है कि इस ट्रेनिंग सेंटर में लगे हुए बैरियर्स की वजह से मैं अपने गॉड पावर का यूज नहीं कर सकता। इधर एक ऑफिसर वाइस कैप्टन को बताता है कि अब सभी कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो गए हैं, सिर्फ शियोकी को छोड़कर, और हमें मोली भी बेहोशी की हालत में नदी के किनारे मिली है। तभी वाइस कैप्टन मॉनिटर की ओर देखता है कि शियोकी सीधा फिनिश लाइन की ओर जा रहा है, तो ये देखकर वाइस कैप्टन सोचता है कि आखिर इतने गहरे जंगल में शियोकी रास्ता कैसे नहीं भटक रहा। इधर हम शियोकी को देखते हैं, जो बैट्स और बाकी छोटे जानवरों की मदद से फिनिश लाइन का पता लगाकर उसकी ओर जा रहा था, पर क्योंकि ये वाली पावर उसे नाइक से मिली थी, इसलिए अभी भी वो काम कर रही थी। इधर वाइस कैप्टन ऑफिसर से कहता है कि अगर शियोकी फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला है तो चलो हम उससे पहले वहां जाकर उसका वेट करते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके ड्रोन्स हैक हो जाते हैं। दूसरी तरफ शियोकी भागते हुए अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने एक स्ट्रेंज बंदा आ गया था। तो शियोकी उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बंदा बताता है, मैं एंशियंट गॉड चर्च से लियांग हूँ। अब लियांग शियोकी के पेट में जोर से मुक्का मारता है, जिसके कारण वो पीछे जाकर गिरता है। साथ ही लियांग पॉइजनस निडल को भी शियोकी की तरफ फेंकता है, लेकिन शियोकी उससे बच जाता है। तभी लियांग उससे कहता है, तुम तो बहुत कमजोर हो, क्या तुम सच में गॉड का अवतार हो या ये सब फेक है? तभी शियोकी लियांग को बैट्स के बीच उलझा देता है, लेकिन लियांग फिर से शियोकी के पास आकर उसे जोर से जमीन पर फेंक देता है। इधर हम नाइक्स को देखते हैं, जो एक वास को शियोकी समझ रही थी, तभी आते ही वो वास गिर जाता है, तो नाइक्स उसे उठाकर एक कहानी सुनाने लगती है। इधर लियांग शियोकी को अपने टेंटिकल की मदद से पकड़ लेता है और उससे कहता है, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मर जाओ या एंशिएंट गॉड चर्च ज्वाइन कर लो। ये सुनकर शियोकी उस पर फिर से बैट से हमला करता है, तो ये देखकर लियांग गुस्से में शियोकी के शरीर में अपने टेंटिकल घुसा देता है। इधर नाइक्स उस वास को कहानी सुनाने लगती है, एक बार एक बियर को एक स्टार मिलता है, और जब वो आसमान में देखता है तो उसे एक बड़ा बियर दिखाई देने लगता है, तो वो बियर वो स्टार बड़े बियर को लौटाने चला जाता है। इस तरह शियोकी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन तभी अचानक से मून की रोशनी से बनी एक बियर फॉर्म लियांग पर हमला कर देती है और शियोकी को भी आजाद कर देती है। साथ ही एक शियोकी के अंदर नाइक्स वाली पावर भी एक्टिवेट हो गई थी।
तभी लियांग शियोकी को फिर से अपने टेंटेकल से घेर लेता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो अचानक से देखता है कि उसके पीछे से कई सारी एनर्जी से अटैक हो चुका है, जिसके कारण लियांग का वो अटैक नाकामयाब हो जाता है। साथ ही शियोकी के अंदर भी बियर की पावर आ गई थी, जिसकी वजह से वो लियांग के हर अटैक से बचते हुए उसे बुरी तरह पीटने लगता है और उसे मार देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो लियांग नहीं था, वो एक क्लोन था। अब वो क्लोन मरने से पहले थोड़ी देर के लिए लियांग को एंशियंट गॉड चर्च में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। एंशियंट गॉड चर्च में पहुंचने के बाद वहां का मास्टर शियोकी से कहता है किसी को एंशियंट गॉड चर्च में शामिल करने के लिए सभी गॉड्स एक साथ मान गए हैं। ऊपर से तुमने उस क्लोन को हरा दिया, जिससे हमें तुम्हारी पावर का अंदाजा हो चुका है। इसलिए हम तुम्हें एक फ्रेंडली ऑफर देना चाहते हैं कि तुम एंशियंट गॉड चर्च में शामिल हो जाओ, क्योंकि यहाँ हम 3 गॉड्स को मानते हैं जो तुम्हें और भी ताकतवर बना देंगे। अब शियोकी उन तीनों गॉड्स पर कलर बॉल मारकर उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर एंशियंट गॉड चर्च के मेंबर्स हैरान थे। इधर वापस आने के बाद शियोकी को बहुत दर्द हो रहा था, साथ ही उसके मुंह से भी खून आ रहा था। इधर अचानक से ड्रोन हैक हो जाने के कारण वाइस कैप्टन शियोकी की चिंता में उसके पास आ गया था और दूर से उसे देख रहा था। तभी ऑफिसर्स वाइस कैप्टन से पूछते हैं कि शियोकी की हालत अभी क्या है, जिस पर वाइस कैप्टन शियोकी की ऐसी हालत देख कर मेडिकल टीम बुलाने को कहता है। लेकिन उसी वक्त शियोकी खड़ा होकर फिनिश लाइन की ओर भागने लगता है, जहां उसे भागते हुए उसके सभी साथी उसे चीयर कर रहे थे। तभी किंग जू का भी एक दोस्त शियोकी से कहता है कि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि जब भी तुम्हें दर्द हो तो तुम्हें तुम्हारी अच्छी मेमोरीज याद करनी चाहिए, जिससे दर्द काफी कम हो जाता है। ये सुनकर शियोकी सोचता है कि बचपन से मैं मेंटल हॉस्पिटल में रहा था, जिसके कारण मेरा कोई दोस्त नहीं बन पाया और ऊपर से अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ भी नहीं दे पाया हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास कोई अच्छी यादें भी नहीं है। लेकिन तभी ये सोचते सोचते शियोकी अपने फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है और नई सुबह होते हुए सूरज के साथ सिटी के सुंदर नज़ारे को देखने लगता है, जहां वो ऐसा करते हुए सोच रहा था कि ये सब सिर्फ जाओ की वजह से पॉसिबल हो पाया है। उसी वक्त थकान के कारण वो नीचे गिरने लगता है, तो सभी ऑफिसर्स उसे बचाने के लिए उसकी ओर भागने लगते हैं। आगे वाइस कैप्टन शियोकी को जीत के तोहफे के तौर पर उसके दोस्तों की पिक्स देता है और थोड़े दिनों बाद जब शियोकी नाइक से मिलने जाता है तो वो यीफाई और नाइक्स को पूरी चैलेंज और जाओ की कहानी सुनाता है। जाओ की कहानी सुनकर यीफाई तो इमोशनल हो गया था। तभी नाइक्स बोलती है कि तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मैं भी उस सुंदर शहर को देखना चाहती हूँ। उसी वक्त शियोकी देखता है कि नाइक्स अब 51% ठीक हो चुकी है, जिसकी वजह से अब शियोकी को नाइक्स की मेन पावर्स मिलने वाली थी। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।